रायपुर में सीएम हाउस पर आयोजित हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कर्मियों का संविलियन और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर फैसला रहा है। इस फैसले का इंतजार शिक्षक कर्मी लंबे समय से कर रहे थे। इसके साथ ही सरकार ने गोबर खरीदी की दर पर भी मुहर लगा दी है। राज्य में परिवहन व्यय समेत 2 रुपए में गोबर खरीदी होगी। गोधन न्याय योजना के तहत होने वाले इस खरीदी का शुभारंभ 20 जुलाई को हरेवी पर्व के साथ होने जा रहा है। इसके साथ ही भूपेश सरकार ने कुछ और भी फैसले लिए हैं। जो गोबर का कीमत है और उसके अलावा किस तरीके से फंक्शन करेगा, इसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। दूसरा, पवेलियन शिक्षा कर्मी अब उसको संवर्ग, नगरी निकाय और पंचायत में शिक्षक मान लिए हैं, तो 2 वर्ष से अधिक की जिनकी सेवावधि पूरा हो गया है उसको 1 नवंबर राज्य गठन के दिवस के दिन से ये लगभग 16,278 शिक्षकों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। मदरायपुर की होगी जहाँ